नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम खबर लेते हैं ग्राम पंचायतों से, गांव की गलियों से, ऐसी जानकारी जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके जीवन स्तर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो 7 निश्चय योजना की। 7 निश्चय योजना जब पिछले सरकार पिछले पिछले टर्म में पिछले टेन्योर में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टेन्योर में 7 निश्चय योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें 7 तरह के संकल्प लिए गए थे और उस संकल्प को 5 सालों में पूरा करने का प्रयास किया गया। 7 निश्चय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और बहुत ही लोकप्रिय रहा, खास करके पंचायती राज में, त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के बीच यह योजना बहुत प्रभावित रहा। जनप्रतिनिधियों को काम करने का मौका मिला, क्योंकि इस योजना के तहत जो भी निर्माण कार्य, विकास कार्य हुए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ है। अब बहुत शोर मचाया जा रहा है 7 निश्चय पार्ट 2 लागू होने के लिए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में कौन कौन से विषय को शामिल किए गए हैं, क्या क्या होगा। तो आज हम आपको बहुत कम समय में बता देंगे कि 7 निश्चय पार्ट 2 में कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई है, उसका नाम क्या दिया गया है, और उन योजनाओं के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि कौन कौन से कार्य करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही यह जानकारी वाला वीडियो है, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हम बता दें कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो लागू किया है, वह पिछले 5 वर्षों में 7 निश्चय कार्यक्रमों को ही लागू करने का प्रयास किया गया है। और 7 निश्चय में 7 योजनाएं कौन कौन है, उस पर चर्चा करते हैं हम बारी बारी से। तो नंबर 1 पर युवा शक्ति विकास की प्रगति, यह नाम दिया गया है 7 निश्चय योजना का, पहला योजना का। 7 निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। उच्च शिक्षा के लिए बेहतर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर सिखाने के लिए कौशल विकास केंद्र, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण होती युवा जैसे कार्यक्रम चलाया गया है। अब इस योजना में क्या होगा, तो अब इस जो 7 निश्चय पार्ट 2 में संस्थानों को गुणवत्ता बढ़ाने की योजना है, और जो पिछले 5 वर्षों में जिला एवं मंडल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य सरकार प्रत्येक ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। हम आप समझ गए, इसमें ITI पॉलिटेक्निक पर है बच्चों के बाजार से जोड़ा जाएगा, उन्हें बाजार में ज्यादा मांग है, जैसे सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा, मार्गदर्शन नई स्किल के प्रशिक्षण में, जैसे वैसे युवा जो ITI एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इससे भी लोकप्रिय जैसे फ्रिज बनाना, पंखा बनाना, एयर कंडीशन बनाना, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटी वेलनेस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, इस तरह के काम यहाँ सिखाए जाएंगे मेगा स्किल सेंटर में। और जो इसी के अंतर्गत है, टूल रूम हर प्रमंडल में होगा, प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग स्थापित किया जाएगा। टूल रूम में कई क्षेत्रों में नवीन व आधुनिक मशीनें एक साथ उपलब्ध रहती है, इनसे ITI पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का अत्याधुनिक मशीनों और नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब उसी में और एक चीज जोड़ा गया है, स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग, ITI पॉलिटेक्निक सहित एक नया विभाग बनाया गया है, स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने के लिए। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बिहार में चिकित्सा एवं शिक्षा अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और उद्यमिता विकास हेतु अनुदान और प्रोत्साहन दी जाएगी। ये संस्थाएं तो खुलेगी, लेकिन इन्हें पढ़ने वाले छात्रों को, इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को
न सिर्फ उस शिक्षा के प्रशिक्षण व्यवस्था की जाएगी बल्कि उनको अपना उद्यम व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। नया उद्यम व्यवसाय लगाने के लिए परियोजना की लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण 1% के ब्याज पर दिया जाएगा। मतलब 5 लाख 10 लाख रुपया लेते हैं तो 5 लाख रुपया माफ और 5 लाख रुपया पर 1% ब्याज लगेगा। वहीं सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। यह हो गया 7 निश्चय योजना का पार्ट 1 का सेक्शन। अब पार्ट 2 में है सशक्त महिला सक्षम बिहार, जो पार्ट 2 कह रहे हैं। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का दूसरा जो विषय है सशक्त महिला सक्षम बिहार, इसमें महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना बनाया गया है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके लिए उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया और स्नातक उत्तीर्ण होने पर चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे और क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के रूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। और उसके बाद तीसरा बिंदु है हर खेत तक सिंचाई का पानी। 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में यह निर्णय लिया गया है, तीसरा जो संकल्प यह लिया गया है कि हर खेत को सिंचाई का पानी हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वही चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सबसे महत्वपूर्ण योजना है यह। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना है जो घर वार्ड में होगा और पूर्ण की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण करना है। जैसे पहले जो 7 निश्चय योजना का जो चौथा जो संकल्प है उसमें पहले दो चीज को जोड़ा गया है, गांव में सभी जगह सोलर स्ट्रीट लगाना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, और उसमें यह भी जोड़ा गया है कि पूर्व में जो योजनाएं थी उनका अनुरक्षण किया जाएगा, उन्हें सहेजा जाएगा। पूर्व से निर्मित योजनाओं तथा हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नली गली, हर घर तक शौचालय आदि योजनाओं का पूरा रख रखाव किया जाएगा। और इसी में यह है कि पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास किया जाएगा, पशु शेड और मछली पालन के लिए तालाब बनाए जाएंगे। ये हो गया चौथा। और पांचवा संकल्प यह है, 7, 5वां निश्चय यह है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसमें भी लोहिया स्वच्छता के अंतर्गत जो पांचवा एक अलग स्वच्छता के लिए जो संकल्प लिया जा रहा है, 7 निश्चय लिया जा रहा है, 1 निश्चय यह भी है कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन। शहर के जो गरीब हैं वहाँ एक छोटे प्लॉट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उनको बहुमंजिला भवन में शिफ्ट किया जाएगा, उनके आवास दिया जाएगा। और छठा है सुलभ संपर्कता ग्रामीण पथों में संपर्कता। छठा जो निश्चय है, छठा मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय में छठा निश्चय यह है कि हर बसावट को सड़क या लिंक रोड से जोड़ना, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास तथा फ्लाईओवर का निर्माण करना। और 7वां संकल्प मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 का 7वां संकल्प यह है कि बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाओं को आधारभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, जैसे कॉल सेंटर मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था करना और देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना करना और गांव गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर उपलब्ध करवाना। और इसी की कड़ी में जो अभी क्विक रिस्पॉन्स सेवा शुरू किया गया है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर नियमित बेहतर संचालन हेतु स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडल एवं जिला अस्पताल को जोड़ा जाएगा। डायबिटीज, उच्च जो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों की स्क्रीनिंग होती और गंभीर बीमारियों को रेफर किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर और विस्तारित किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी, तथा इसके लिए नई योजना बाल हृदय योजना
लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त और कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसे कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात कोरोना के बचाव से पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण, विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना करना, दलहन के उत्पादन बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन खरीद की व्यवस्था करना, और राज्य के सबसे महत्वपूर्ण है राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों को पंचायतवार डाटाबेस संधारित किया जाना। तो यह थी 7 निश्चय पार्ट 2 योजना की, 7 संकल्प 7 निश्चय। जो सिर्फ सुनते हैं कि 7 निश्चय योजना क्या है, 7 निश्चय 2 लागू है, तो 7 निश्चय योजना 2 में इन इन बातों को लागू किया जाएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।